नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसको जानना तो सबको ही चाहता है लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और वो है खर्राटे लेना कैसे बंद करें। तो खर्राटे जो हैं, आज तक हम लोग यही सोचते हुए आए हैं कि खर्राटे जो हैं वो हमारे लिए तो ठीक है लेकिन वो दूसरे लोगों को परेशानी करते हैं, मतलब वो सो नहीं पाते, उनको नींद नहीं आ पाती। बट अगर आप असल में जानेंगे कि खर्राटे से आपको क्या क्या प्रॉब्लम है तो शायद आप आज ही से खर्राटे लेना बंद करने की कोशिश करेंगे। पर चलिए, आपने ये वीडियो खोला था ये जानने के लिए कि आप कैसे खर्राटे लेना बंद कर सकें ताकि जो आपके बगल में सोते हैं उनको परेशानी ना हो, तो चलिए उस बारे में हम बात करते हैं। पर साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि खर्राटे लेना आपके लिए कैसे हानिकारक है। तो मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने एक फेसबुक पेज लॉन्च किया है तो प्लीज़ इस पेज को लाइक करिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी ऐसी कुछ पोस्ट करूं तो आपको पता चल जाए। सब्सक्राइब करने के लिए मोबाइल में अगर आप हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन जो है उसको क्लिक कीजिए और आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। साथ ही साथ एक बेल बनी हुई आएगी, उस बेल को भी ग्रे फिल कर दीजिए ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको बड़ी आसानी से पता चल जाए। इस तरीके से अगर आप ये वीडियो अपने डेस्कटॉप में देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन आता है, उसको क्लिक कर दीजिए, वो ग्रे हो जाएगा, इसका मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया। साथ ही साथ बेल को भी आप क्लिक करिए तो वहाँ पर वो पूछेगा आपको कि आपको नोटिफिकेशन चाहिए, वहाँ पर टिक करके सेव कर दीजिए तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि खर्राटे जो हैं वो आपके बगल में सोने वाले के लिए तो बहुत बड़ा नाइटमेयर हो जाते हैं। कई सारे रिलेशनशिप इसकी वजह से स्ट्रेन हो जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो जाती हैं। पर खर्राटे लेना आपके खुद की हेल्थ के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तीन चीज़ें मेनली खर्राटों से होती हैं, अपार्ट फ्रॉम जो आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है और जो आपका पार्टनर को प्रॉब्लम होती है, तीन चीज़ें खर्राटे लेने से होती हैं। पहली चीज़, जो आपकी नींद है वो आपकी पुअर हो जाती है, क्योंकि खर्राटे लेने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है रुक रुक के आपके अंदर जा रही है, और जब ऑक्सीजन रुक रुक के जाती है अंदर तो पूरी बॉडी को फुल्ली ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, उससे आपकी नींद ख़राब रहती है। दूसरी बात, आपको फटीग होता है यानी थकान महसूस होती है, दिन भर आप थके हुए रहते हैं क्योंकि आपकी नींद ढंग से पूरी ही नहीं हुई होती है। और तीसरी चीज़, इससे बहुत सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, खर्राटे लेना है क्या, खर्राटे कैसे लिए जाते हैं, क्यों लिए जाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम सॉल्व करना चाहें कि खर्राटे को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जब सांस लेते थे एक नॉर्मल एयर फ्लो कुछ इस तरह दिखता है, जहाँ पर सांस जो है बिना रुके आपके नाक से होकर के आपके फेफड़ों तक जाती है। पर होता क्या है कि कई लोगों के जो ये विंड पाइप है जहाँ से हवा होके फेफड़ों तक जा रही है, वहाँ पर बहुत सारे लूज टिश्यूज़ या एक्स्ट्रा टिश्यूज़ होते हैं, यानी एक्स्ट्रा मांस होता है। और या फिर मांस नहीं भी होता है तो कई लोगों का विंड पाइप इतना पतला होता है कि वहाँ पर ब्लॉकेज हो जाता है, हवा जितनी शरीर को चाहिए उतनी हवा जा नहीं पाती है। तो अब होता क्या है कि जब आप हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो ये ब्लॉकेज के पास आकर के सांस अटकने लगती है, रुकने लगती है, और ये जो ब्लॉकेज होता है ये वाइब्रेट करने लगता है, और इस वाइब्रेशन की वजह से ही आपको खर्राटे आते हैं। तो ये खर्राटों के पीछे का कारण है। अब ये जो ब्लॉकेज है ये कई जगह हो सकती है, ज़रूरी नहीं गले में ही हो। ये ब्लॉकेज आपके नाक में हो सकती है, नाक के टिश्यू आपके ज़्यादा हो सकते हैं, नाक में ज़्यादा मांस हो सकता है, या नाक की हड्डी जो है थोड़ी टेढ़ी हो सकती है, इसकी वजह से हवा जो है रुक रही है या टकरा रही है, स्मूथली पास नहीं हो रही है, या जो नाक का छेद है वो छोटा हो सकता है। दूसरी चीज़ जो हो सकता है वो ये है कि आपकी जो जीभ है वो पीछे फॉल बैक करती है, वो आपका विंड पाइप पे आ जाती है और हवा के फ्लो को रोकती है। और तीसरी चीज़ जो मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा खर्राटे इसी की वजह से आते हैं, वो ये है कि आपका जो गला है वहाँ पर जो टिश्यूज़ हैं वो लूज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारा मांस है, एक्स्ट्रा मांस है, जो कि सोते टाइम आपके विंड पाइप को छोटा कर देता है और उससे हवा पास होने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से खर्राटे आते हैं। और एक बात ध्यान रखिए कि ये जो खर्राटों की बीमारी है ये आगे चल के एक ज़्यादा जानलेवा बीमारी में बदल सकती है, जिसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि आपका जो मांस है वो इतना बढ़ जाता है कि जब आप रात को सो रहे होते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स आपका गर्दन होती है, तो ये मांस पूरा विंड पाइप ब्लॉक कर देता है, और इसके वजह से क्या होता है, हवा जो है
वो इस ब्लॉकेज में रुक जाती है। तो कई बार लोगों को होता है, शायद आपको भी कभी महसूस हुआ हो, रात को आप एकदम से आधी रात को आपकी नींद खुल जाती है, आपकी सांस रुक जाती है, या कभी आपको नाइटमेयर महसूस हुआ है कि आप सांस ले रहे हैं और आपकी नींद खुल चुकी है, क्योंकि आप सांस आपकी एकदम से रुक गई है, लेते लेते आपकी नींद खुल गई पर आपकी बॉडी जो है वो पैरालाइज हो चुकी है, आपकी बॉडी हिल नहीं रही है और आपकी नींद खुल गई है और आप उठने की कोशिश करें लेकिन उठ नहीं पाते हैं। तो ये होता है इस ब्लॉकेज की वजह से। जिन लोगों को भी ये ब्लॉकेज एक्सपीरियंस हो रहा है, उनका हो सकता है स्लीप एपनिया इनिशियल स्टेजेस में है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसका क्योर करवाएं। नेचुरली हो सके, जो मैं तरीके बताऊंगा उनसे हो सके तो वो सही, लेकिन वो ना हो पाए तो डॉक्टर को जाके दिखाइए। क्योंकि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी नींद खुल रही है लेकिन आप सांस नहीं ले पा रहे हैं और आप उठने की कोशिश करें आप उठ भी नहीं पा रहे हैं, तो ये स्लीप एपनिया हो सकता है, जो कि इस वजह से होता है कि आपका जो मसल्स हैं वो हवा को ब्लॉक कर देती है और आप सांस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आपका ब्रेन उठ जाता है बट आपकी बॉडी सोई हुई रहती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, अगर आपको ये टिश्यूज़ का प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर इसका इलाज कराइए, क्योंकि इससे एक और बीमारी हो सकती है जो कि हार्ट रिलेटेड है। मैं उसका रीज़न आपको बताता हूँ कि जब आपका विंड पाइप छोटा है तो आपको सांस लेने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन आपकी हवा कम जाती है अंदर। अब हवा कम जाती है लेकिन हार्ट को तो उतना ही ब्लड जो है वो पंप करना है ना, तो हार्ट जो है ज़्यादा तेज़ काम करने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी में, तो हार्ट ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्लड पंप करता है ताकि वो ज़्यादा जल्दी जल्दी ब्लड सारी बॉडी में पहुँचा सके। अब क्योंकि हार्ट ज़्यादा जल्दी काम कर रहा है, इन अ लॉन्गर रन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हार्ट वेयर आउट हो जाएगा, क्योंकि हार्ट लिमिटेड कैपेसिटी में ही काम कर सकता है ना। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको स्नोरिंग का या स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम है तो उसको इमीडिएटली सॉल्व करवाएं। देखिए, आप पता कर सकते हैं कि आपकी स्नोरिंग कहाँ पर हो रही है, आपकी नाक की वजह से हो रही है या आपकी जीभ की वजह से हो रही है या आपके विंड पाइप की वजह से हो रही है या आपकी स्लीपिंग पोजिशन की वजह से हो रही है। तो ये आप कैसे पता कर सकते हैं, अगर आपका मुँह बंद करके भी आप स्नोर करते हैं तो ये शायद आपकी जीभ या नाक की वजह से हो रही है। ज़रूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि जीभ या नाक की वजह से हो रही है। अगर आप खुले मुंह से भी खराटे लेते हैं तो ये शायद आपके गले में प्रॉब्लम है, गले के टिश्यूज़ लूज़ हैं। और तीसरी चीज़, अगर आप हल्की स्नोरिंग करते हैं अपनी पीठ में सोते हुए, यानी चित सोते हुए अगर आप हल्की हल्की स्नोरिंग करते हैं, तो ये हो सकता है कि आपकी टंग की वजह से या कुछ पोजीशन की वजह से हो रही है। और अगर आप अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे सोने की, करवट लेके सोएंगे, तो शायद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप स्नोरिंग बंद कर सकते हैं। तीन सॉल्यूशन है। पहली चीज़, आप लाइफस्टाइल को अपना इम्प्रूव करिए। मैं बताऊंगा लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या करना चाहिए लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने पे जिसकी वजह से आपकी स्नोरिंग बंद होगी। दूसरा, कुछ रेमेडीज़ हैं बेड टाइम रेमेडीज़, यानी जब आप बिस्तर में जाते हैं उस टाइम पे अगर आप कुछ छोटी मोटी चीज़ें करेंगे तो उससे भी आपकी स्नोरिंग रुक सकती है। और तीसरी चीज़ जो लास्ट रिजॉर्ट है वो ये है कि आप मेडिकल एक्सपर्ट का एडवाइस लें और मेडिकल क्योर की तरफ जाएं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइफस्टाइल क्योर्स, कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करके स्नोरिंग को रोक सकते हैं। पहली चीज़, अगर आपने रिसेंटली वेट गेन किया है और उसकी वजह से आपकी स्नोरिंग बढ़ी है, या आप ऑलरेडी ओवरवेट हैं और आपकी स्नोरिंग है, तो सबसे पहले सर वेट लूज़ करिए। वेट लूज़ करने से आपके जो एक्स्ट्रा टिश्यूज, एक्स्ट्रा जो फैट डिपॉजिट हुआ है आपके विंड पाइप में या आपके नाक में, वो कम हो जाएगा और उसके कम होने की वजह से आप स्नोरिंग बंद कर देंगे। दूसरी चीज़, वेट लूज़ ना भी कर रहे हो तो एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपकी मसल स्टोन हो जाती है। मसल स्टोन होती है तो ये जो टिश्यूज़ हैं, एक्स्ट्रा टिश्यूज़ हैं गले में, नाक में, ये भी थोड़े टाइट हो जाते हैं और जो ब्लॉकेज होता है, जो वाइब्रेशन होता है, उसको कम कर देते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग बंद कर दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग से काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज़ लूज़ होते हैं जो कि वाइब्रेट करके स्नोरिंग पर रिजल्ट करते हैं। और चौथी चीज़, रिलैक्सेंट यानी कि जैसे एंटी एलर्जिक या सेडेटिव या नींद की गोलियां या अल्कोहल लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे भी क्या होता है, आपकी जो विंड पाइप की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे कि वाइब्रेट करती हैं और ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, जिससे कि स्नोरिंग होती है। तो ये लाइफस्टाइल की ओर हैं, अगर आप लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे तो आपकी स्नोरिंग बंद हो सकती है। दूसरी चीज़, कुछ छोटे मोटे जुगाड़ हैं जो बेड टाइम आप कर सकते हैं, और इसमें सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी नाक के पैसेज को सोने से पहले क्लीन कर सकते हैं। ये तब आप करिए जब आपकी नाक के वजह से स्नोरिंग हो रही है। तो जल निधि एक तकनीक है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपकी नाक साफ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, स्लीपिंग पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चित सोते हैं तो करवट लेके सोइए, करवट लेके सोते हैं तो चित होके सोइए, पेट के बल सोते हैं तो
पीठ के साइड सोइए, ऐसे करके आप स्लीपिंग पोजीशन चेंज करके भी इसको क्योर करने की कोशिश कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, एंटी स्नोरिंग अप्लायंसेस आते हैं, अलग अलग टाइप के माउथ पीसेज आते हैं, नाक में लगाने के बैंड आते हैं जो नाक के होल्स को बड़ा रखते हैं, एक स्ट्रैप आता है जो कि आपके जॉ को इस तरीके से रखता है कि आपकी टंग फॉल बैक ना करे और विंड पाइप को ब्लॉक ना करे, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बट मोस्टली ये सॉल्यूशन जो बेड टाइम क्योर्स हैं तभी काम आते हैं जब स्नोरिंग आपकी नाक की वजह से है, गले की वजह से नहीं है। गले की वजह से तो आपको लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट ही करने पड़ेंगे या मेडिकल एक्सपर्ट का ओपिनियन ही लेना पड़ेगा। तो तीसरी चीज़, जैसे मैंने बोला, मेडिकल क्योर्स अगर आपका कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं या आपको लगता है कि आपको स्लीप एपनिया की शिकायत है, तो किसी ईएनटी डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। ईएनटी मतलब ईयर नोज थ्रोट, वो आपका एक सिंपल सा चेकअप करेंगे और आपको बता देंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, आपके कान में प्रॉब्लम है, आपकी नाक में प्रॉब्लम है, आपकी जीभ में प्रॉब्लम है या आपके गले में प्रॉब्लम है। और इसके बाद दो सॉल्यूशंस ये दे सकते हैं मेडिकल, बट पहली चीज़ वो भी यही बोलेंगे कि सर वेट लूज़ करो, एक्सरसाइज करो, लाइफस्टाइल इंप्रूव करो ताकि स्नोरिंग बंद हो। वो ना बंद हो तो उसके बाद दो टेक्निक होती है, और पहली टेक्निक होती है एक सीपैप मशीन होती है जो कि कॉम्प्रेस एयर आपको डालती है और इससे आपका विंड पाइप खुला रहता है थ्रू आउट द नाइट। ये रात को लगानी होती है, लेकिन ये लाइफ टाइम ये मशीन आपको लग जाती है अगर आपने एक बार लगा ली। तो ये मशीन अगर आप लगाएंगे तो आपकी स्नोरिंग प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपका स्लीप एपनिया ठीक हो जाएगा, बट ये मशीन आपको लाइफ टाइम लगी रहेगी। और दूसरी चीज़, वो सर्जिकल क्लीनिंग की बात करते हैं, तो अगर आपका विंड पाइप जो है उसमें टिश्यूज़ कुछ एक्स्ट्रा हैं तो उसको सर्जरी करके निकाल देंगे। लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि ये आपका लास्ट रिजॉर्ट है, उससे पहले आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करके और बेड टाइम क्योर्स का इस्तेमाल करके अपनी स्नोरिंग को रोक लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था। इसने आपको बताया कि स्नोरिंग कैसे हो सकती है और इससे आपकी खुद की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, वो छोड़िए कि आपके बगल में जो सो रहा है उसको नींद नहीं आ रही, बट आपकी खुद की लाइफ में और आपकी खुद की हेल्थ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ इसको एक थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। आशा करता हूँ आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।